गाइज हायाबूसा का सपना आपका पूरा होगा अब। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। Voices in my head know me, call me, I will be restless. Somehow they told me this is my nightlife, wanna be highlight. Hey guys, welcome back to my channel. Ki hal chaal, sat sri akaal. I hope you guys are doing good. So guys, those of you new here, it's Lokesh Gautam. I welcome you to my YouTube channel. If you haven't subscribed it, do subscribe it. Hit the bell icon if you want to get notified from upcoming videos. Thank you so much. Let's get started. दोबारा से आ गए हैं सुपर बाइक्स पे सरस्वती मोटर्स। तो जसनीत भैया कैसे हो आप? All well, buddy, all well. आप सुनाओ, how are you? यार ले भाई के मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भैया। और कहाँ बिजी रह रहे हो भाई, ये बता दो पहले तो मेरे को। बस बिजी कहीं नहीं, नवा साल आ गया, उसके बाद हमारा प्ले बटन भी आ गया, उसके बाद आप लोगों का प्यार इतना सारा आ गया, तो बस उसी में बिजी हो गया। बाकी अगेन येट अगेन द यूनिक व्हील के ऊपर, लोकेश भाई के चैनल के ऊपर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एंड सरस्वती मोटर्स वंस अगेन आपके लिए एक बढ़िया लॉट लेकर आया हूँ, मैं बढ़िया बाइक्स लेकर आया हूँ। एंड बाइक्स कौन सी होने वाली है वो आपने थंबनेल में और नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। बाइक्स आर गोना बी द लेजेंडरी हायाबूसास। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बूसास से मिलवाऊंगा आज मैं वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले नीचे जाओ, बाइक के चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो में मैं आ गया हूँ तो लाइक होना तो बनता ही है, जल्दी से लाइक करो एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलना गाइस। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपको मिलवाता हूँ मैं ब्यूटीफुल सुजुकी हायाबूसा के साथ। एंड पाजी उससे पहले एक छोटा सा लाइक्स का टारगेट रख लें कुछ, बहुत टाइम हो गया लाइक्स का टारगेट नहीं रखा, एक टारगेट रख लेते हैं। जो हुक्म आपका, आप बताइए कितने मतलब मैक्सिमम 1000 अराउंड रख लेते हैं। ये तो 1000 लाइक्स का टारगेट तो जायज बनता ही है। चलो तो गाइज 1000 लाइक्स का टारगेट बनता ही मतलब Absolutely. आप मतलब ढेर सारा प्यार दे दो एंड लेट्स गेट बैक इन एक्शन नाउ। आज के वीडियो के अंदर आपको मैं पहले एक नहीं दो बाइक से मिलवाना चाहूंगा एंड वो जो दो बाइक्स है वो मेरे साथ में खड़ी है। द रीजन वाई आई पुट देम टुगेदर वॉज कि आपको एक क्लियर डिफरेंस बता दूं मैं कि 2009 से रादर 2008 से व्हेन दिस शेप वॉज बींग इंट्रोड्यूस, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन लेट 2008 से लेके 2020 तक जब ये डिसकंटिन्यू हुई है, फ़र्क क्या आए थे सिंस 2008 टिल 2020, मतलब इसकी लेगेसी कायम रही है लगभग 12 सालों तक, बूसा हैव बीन सेम। लेकिन डिफरेंस क्या आया था, डिफरेंस मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आप पास आके देखेंगे गाइस, इन दोनों में वैसे कॉस्मेटिकली कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स का फ़र्क है। ये 2011 है, वो 2017 है। इन द सेम वे गाइस, आप 2009 ले लो चाहे 2019 ले लो, बूसा लुक्स में बिल्कुल सेम है। सेम फिन, सेम इंडिकेटर, सेम हेडलाइट्स, सेम वाइजर, सेम शेप, सेम टेल, सेम टैंक, सेम इंजन, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस विच केम इन 2014, इन लेट 13 एंड 14 के अंदर, जो 14 के अंदर डिफरेंस आया था, दैट वाज विद द ब्रेक्स। अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे गाइस, इसमें आपको मिलती है टोकिको की नॉन ABS ब्रेक्स एंड उसके अंदर आपको मिलती हैं ब्रेम्बो की तरफ से एक ABS वाला यूनिट मिलता है आपको। यू गेट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इन फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। उसके अलावा देर हैव बीन नो चेंजेस व्हाट्सोएवर, यू गेट द सेम राइडिंग मोड्स, यू गेट द सेम इंजन, एवरीथिंग इज डिट्टो सेम, बस कलर्स चेंज होते गए। एंड एक मेजर डिफरेंस 2014 के अंदर आया था, दैट वॉज द CKD एंड द CBU यूनिट। लोग इसको लेके बहुत स्केप्टिकल होते हैं बट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इस अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट विच इज़ दिस वन 2014 से पहले की, 2014 एंड बिफोर 2014 जितने भी वेरिएंट्स आए थे, दोज वेर ऑल अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट मोटरसाइकिल। एंड दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल वाइल बाइंग अ सेकेंड हैंड सुपर बाइक, स्पेसिफिकली हायाबूसा। CKD और CBU के अंदर गाइस फ़र्क पता चलता है अब जाके, आफ्टर यूजिंग द बाइक फॉर 4 to 5 years, देन ओनली यू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट एंड अ कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट CKD के अंदर। ये फ़र्क गाइस एक एंथुजियस्ट ही बता पाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो बूसा लेने, आपका फर्स्ट टाइम सुपर बाइक का बूसा उठा रहे हो, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं फील होगा।
आप हमेशा CKD ही प्रेफर करना, उसमें ABS मिलता है आपको। सो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर अ CKD यूनिट। 2015 से ऊपर का बाइक आप ले सकते हो, बट प्राइसिंग का एक वाइटल रोल फ़र्क आएगा ही आएगा। 2015 मॉडल हमने बेची है लगभग 9.5-10 लाख रुपए के आसपास की हमने बेची है, एंड 2013 मॉडल भी 9.5 के आसपास का मिलता है। बाकी ये बातें मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ इन बाइक्स के साथ। गाइस, दिस बीइंग अ 2011 मॉडल सुजुकी हायाबुसा, इसके अंदर एक्सेसरीज बहुत सारी लगी हैं, मतलब यू नेम इट एंड दिस बाइक हैज इट वाला हिसाब किताब है। आगे कार्बन फाइबर का इसके अंदर वाइजर लगा हुआ है, कार्बन फाइबर बड़ा यूनिक सा है, डिफरेंट सा है। LED हेडलाइट्स लगी हुई है इसके अंदर, LED बल्ब्स लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ गाइस क्रैश गार्ड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रैश गार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद द क्रैश गार्ड्स यू गेट लीवर्स विच आर एडजस्टेबल लीवर्स, एंड अलॉन्ग विद द लीवर्स गाइस इसके अंदर आप पूरी कार्बन फाइबर की रैप देख सकते हो। ये जो इसके साइड पैनल्स हैं, दीज हैव बीन कार्बन फाइबर रैप्ड। दूसरी बूसा में अगर आप देखेंगे फॉर कंपैरिजन, दैट इज द स्टॉक वन, एंड दिस ओवर हेयर इज कार्बन फाइबर रैप्ड। आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। अलॉन्ग विद दिस रैप गाइस जिसके अंदर आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है, टैंक पैड के साथ साथ इसके अंदर स्पूल्स लगे हुए हैं, इंजन गार्ड लगा हुआ है, पीछे LED टेल लाइट लगी हुई है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक विच आई रियली वॉन्ट टू स्पेसिफाई करना चाहूँगा, दैट्स द एग्जॉस्ट ऑफ दिस बाइक। गाइस इस बाइक के अंदर आपको M4 का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिलता है, विच इज़ कम्प्लीटली 4:2:1 यूनिट है ये, अ कम्प्लीट यूनिट विच साउंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी लाउड। चलान के बारे में बात करूँ तो इस पर आपका सर्टिफाइड गारंटीड चलान कटेगा। आई कैन नॉट हेल्प ऑन दिस थिंग, बट आप स्टॉक चाहते हो ये स्टॉक कर सकते हो, इसमें बैफर डाल के इसको शांत कर सकते हो, दोज आर द ओनली वेज आउट। बाकी रही बात किलोमीटर्स की गाइस, आपको दिखा देता हूँ, बट किलोमीटर से पहले आई फॉरगॉट, ये आप इसका हैंडल बार देखिए, ये पूरी CNC हैंडल बार किट लगी हुई है इसके अंदर गाइस। दिस थिंग लुक सो ब्यूटीफुल, कितना बेहतरीन कलर है इसका, पूरे हायाबुसा के बॉस लोग, ये हायाबुसा की कैप्स लगी हुई हैं इसके अंदर, योर रिजर्वॉयर कैप्स, दोनों कैप्स के साथ साथ यहाँ पे नीचे टैंक नट्स कैप्स के साथ। अब आप देखेंगे इसका डैश, मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, रुको शांत से करते हैं। 28,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक गाइस, कोई किलोमीटर टैम्परिंग नहीं होती है गाइस हमारी बाइक्स के साथ। आप बाइक लेके जाइए, सीधा कंपनी चेक कराइए, और जो इतनी पुरानी बाइक के रिकॉर्ड्स कंपनी में भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज डीलरशिप भी काफ़ी जगहों पे चेंज हो गई है, पहले अलग नाम था डीलरशिप का, अब अलग हैं, तो डीलरशिप के रिकॉर्ड्स निकालना भी इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट मैं अपनी इंश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, दिस इज़ अ वेरी वेल केप्ट मशीन गाइस, आप लो चलाओ चेक कराओ, आपको कभी भी कोई फॉल्ट नहीं आएगा। एंड ये सारी एक्सेसरीज के साथ सारे सामान के साथ, रेबत प्राइसिंग की, प्राइसिंग मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा क्योंकि एक कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं 2017 के ऊपर गाइस। नाउ दिस बाइक, इसके अंदर भी काफ़ी सामान लगा हुआ है गाइस, फ्रॉम फ्रंट लीवर्स टू द इरिडियम विंडस्क्रीन, LED हेडलाइट्स, क्रैश गार्ड्स, इंजन गार्ड, अलॉन्ग विद दिस में आपको टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके अंदर गाइस आपको मिलता है कस्टम SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट, एक रेप्लिका एग्जॉस्ट मिलता है आपको। मैं कस्टम इसलिए बोलता हूँ और रेप्लिका क्यों यूज़ नहीं करता हूँ गाइस, कस्टम एग्जॉस्ट मतलब एक बिल्कुल हैंडक्राफ्टेड SC बना हुआ एग्जॉस्ट, एक रेप्लिका मतलब एक सेम डिट्टो जैसे SC ब्रेक की फिटिंग होती है, जैसे जो आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट लोगे उसकी जो फिटिंग होती है उसी सेम फिटमेंट के अंदर एग्जॉस्ट यूज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एग्जॉस्ट, ये किसी दूसरी बाइक में नहीं लगेगा, ये लगेगा तो सिर्फ भूसा में ही लगेगा। तो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस कस्टम मेड एग्जॉस्ट, क्योंकि ये बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ भूसा के लिए ही, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एग्जॉस्ट। बाकी इसके बारे में बात करें गाइस, ये चलिए लगभग 22,000 किलोमीटर्स, 22,000 किलोमीटर चल चुकी है, 2017 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड। एक्सेसरीज आपने देख ली हैं, डेली नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है इसका, VIP नंबर है। एंड अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें गाइस, इसका हम लोग जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गोना बी 11.5 लाख, 11.5 लाख रुपए के अंदर आपको 2017 मिल जाएगी, एंड 2011 आपको मिलेगी 8.5 लाख रुपए के अंदर, 8.5 के अंदर। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसीलिए है बिकॉज ऑफ द यूनिट, दिस यूज टू बी फॉर ओवर 20 लाख रुपीज़ एंड दिस वन यूज टू बी समवेयर अराउंड 16 लाख रुपीज़, 16 लाख रुपये के आसपास की थी। तो यही एक फ़र्क है, एक नई बाइक के अंदर भी लगभग 4-5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है गाइस, इसीलिए आज भी CBU यूनिट का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है CKD से, बट
इट्स योर विश। आप 17 लेना चाहते हो, 16 चाहते हो, 15 चाहते हो, CKD चाहते हो, आपको सस्ता ही मिलेगा। अगर आप CBU चाहते हो 2010, 2011, 2012, 2013, वो आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव ही मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ चलते हैं 2013 के ऊपर, 2013 अगेन अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। इसके अंदर यू कैन सी पीछे काउ लगा हुआ है, यू गेट टू ब्रदर्स रेसिंग ऑफ ओरिजिनल एग्जॉस्ट, दिस इज नॉट अ रेप्लिका एग्जॉस्ट, ओरिजिनल एग्जॉस्ट इसमें लगे हुए हैं अलॉन्ग विद दीज गाइस। टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स लगी हुई है, साथ ही साथ आपको मिलता है इसके अंदर क्रैश गार्ड्स, हैंडल बार ग्रिप्स, एंड यू गेट द इरिडियम विंडस्क्रीन इन दिस बाइक ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बूसाज आई हैव एवर रोड। इसके अंदर गाइस अगेन यू गेट द टोकिको ब्रेक्स, टोकिको की ब्रेक्स लगी हैं, ABS नहीं है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, एक ही CBU यूनिट है गाइस। किलोमीटर्स की बात करूँ तो सबसे कम चली हुई है ये, लगभग 15,000 किलोमीटर चली हुई, 51 किलोमीटर्स डन, एंड अ वेरी वेल केप्ट मशीन, डेली रजिस्टर्ड है। एंड इसके बारे अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका वी आर एक्सपेक्टिंग 9.75, 9,75,000 रुपये हमारा इसके लिए एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ अगेन फर्दर मोर नेगोशिएबल। बाकी प्राइसेस तीनों के लिए, जितनी भी बाइक्स आपने देखी हैं, सबके लिए नेगोशिएबल है गाइस। यू जस्ट हैव टू कम विजिट अस, चेक द बाइक्स, गेट देम टेस्टेड, आप उनको आराम से शोरूम भी चेक करा सकते हो, एंड मेक दिस ड्रीम मशीन ऑल योर्स। एंड लाइक ऑलवेज प्राइजेस सारे नेगोशिएबल है, एंड भूसा के अलावा नज़र घुमा के देखोगे तो कितना स्टॉक खड़ा है मेरे पास। आई गॉट एन नंबर ऑफ बाइक्स गाइस। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, एंड जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जाओ द यूनिक व्हील भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड नाउ लेट्स कैच लोकेश बैक इन एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार दिल खोल के नीचे कॉमेंट कर दो यार, मेरा दिन बन जाएगा। एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नेक्स्ट देखना चाहते हो भाई के चैनल के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया है, वहाँ पे कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो। बाकी विदाउट एनी डूइंग फर्दर मोर हैव है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में सी यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन एक बार फाइनली कर ही देते विद अ फाइनल बाय।